हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त संदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं फ्लैट आपको आपके लिए लेके आया हूं वो है सेक्टर 124 सनी एनक्लेव में, ग्रेटर मोहाली में सिचुएटेड है। इस फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लैट 150 गज में बना हुआ है, सबसे बड़ा फ्लैट जो आपको ट्राई सिटी का सबसे बड़ा फ्लैट आपको 3BHK में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फ्लैट को दिखाने से पहले छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इस फ्लैट के बारे में दे देता हूँ। अगर फ्लैट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3BHK फ्लैट है। 3BHK में आपको 13x14 के बहुत ही स्पेशियस रूम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जिस जगह पे अभी मैं बैठा हूँ इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी स्पेस यहाँ आपको मिल रही है इस फ्लैट के अंदर। 3 सेपरेट रूम्स आपको मिल जाएंगे, डाइनिंग का स्पेस अलग रहेगा। इसके अलावा अगर कनेक्टिविटी आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के अंदर 180 फ्लैट्स टोटल रहेंगे। 24/7 आपका CCTV सर्वेलेंस रहेगी, यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी रहेगी 24/7। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 बड़े स्कूल्स यहाँ पे आपको नियर बाय मिल जाएंगे। VR पंजाब मॉल यहाँ से आपको 2 मिनट की दूरी पे है। गोपाल्स आपको बिल्कुल नजदीक है। 4 बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पे आ जाएंगे। प्लेवे 9 प्लेवे स्कूल्स यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आपको अपना फ्लैट। शुरुआत करते हैं अपने फ्लैट के एंट्रेंस से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे 180 फ्लैट्स इस प्रोजेक्ट में रहेंगे। फ्लैट्स के अलावा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं है, G+2 प्रोजेक्ट है ये, ग्राउंड+2 यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। 6 फ्लैट एक टावर में आपके आ जाएंगे। ये हमारी एंट्रेंस रहेगी। इस एंट्रेंस में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पे यहाँ पे आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाएगा। आइए अब हम लेके चलते हैं आपको अपने फ्लैट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम फ्लैट में एंटर करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोदरेज के लॉक्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। डिजिटल लॉक आ जाएंगे विद टू एक्सेस कार्ड्स के साथ। अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे 8 फीट का ये डोर है पूरा। इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं अगर आप, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको 3.5x8 का ये डोर आ जाएगा आपका, पूरा डिजिटली लॉक इसके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड मेडल के स्विचेस आ जाएंगे, ब्रांडेड फिटिंग्स आएंगे आपको पूरे घर में। जैगवार की फिटिंग्स आपको पूरे सैनिटरी और आपके किचन में मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टच पैनल के साथ है, इसको आप गूगल या एलेक्सा के साथ भी अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप, इसका बेनिफिट ये है कि आप जितना भी ये हॉल का और अपना डाइनिंग का एरिया अगर आप देख रहे हैं तो इतना ये सारा एरिया आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपने घर में एंटर होने से पहले ही 5 से 10 मिनट पहले ही, जैसे आप अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं, आप अपना AC ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो आप कहीं भी बैठे बैठे अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये LED पैनल के लिए स्पेस हमने दे रखा है। LED पैनल यहाँ पे ड्राइंग और डाइनिंग हमने बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल के सामने बिल्कुल हमने एक सोफा सेट आपको दे रखा है, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि स्पेस कितनी कवर होती है। हमने अभी यहाँ पे 5 सीटर सोफा प्लेस किया है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे यू शेप में 7, 9 या 11 सीटर सोफा इजिली प्लेस कर सकते हैं। ये वॉल जो रहेगी आपकी वेलकम वॉल, ये एज इट इज रहेगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो POP का बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। इस डिजाइन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक बड़ी विंडो दी जा रही है जहां से आपके घर में एक प्रॉपर लाइट बहुत अच्छी इस घर के अंदर आएगी आपकी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था ड्राइंग एरिया। ड्राइंग के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ डाइनिंग में, जो कि बिल्कुल सेपरेट है यहाँ से। डाइनिंग में आपको देख सकते हैं, आपको एक बहुत ही हमने बड़े साइज का डाइनिंग टेबल यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहे हैं। इस डाइनिंग टेबल की आप बेनिफिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंजस्टेड स्पेस नहीं लग रही है डाइनिंग टेबल लगने के बाद। तो इसके बाद पीछे इसके वॉल एज इट इज आएगी POP के साथ, और स्ट्रिप लाइट यहाँ पे एज इट इज आपको साथ में मिल रही है। डाउन सीलिंग वुडन टच के साथ आपको रहेगी। फ्रेंड्स, यहां से अगर आप देखेंगे तो वो एरिया ड्राइंग एरिया था, ड्राइंग एरिया से 0 आपकी विजिबिलिटी है हमारे किचन की। किचन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी स्पेस दी जा रही है, बिकॉज ये फ्लैट 150 गज का है, हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा है। 27x50 इसकी डायमेंशन है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ, ये आपका प्लेस आ गई रेफ्रिजरेटर के लिए। यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिए जा रहे हैं पूरे घर के अंदर। इसके बाद आपको जैगवार की फिटिंग्स के साथ डबल सिंक के साथ आपको सिंक दी जा रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा, यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ। फ्रेंड्स, ये था हमारा ड्राइंग, डाइनिंग प्लस किचन का एरिया। तीनों रूम्स अभी पेंडिंग है, तो मैं तीनों रूम्स अब आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमने अभी डोर प्लेस नहीं किए हैं, बिकॉज ये एक सैंपल फ्लैट है, तो यहाँ पे 8 फीट के डोर आ जाएंगे।
डोर, ये हमारा पहले मास्टर बेडरूम में आपको दिखाऊंगा। मास्टर बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो एक एलईडी पैनल की स्पेस हमने आपको दे रखी है यहाँ पे। एलईडी पैनल के बाद यहाँ पे फुल हाइट कवर्स आपके आ जाएंगे। फुल हाइट कवर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इसमें स्पेशियस हैं ये। स्लाइडिंग डोर के साथ इसमें आपको ये कवर्स दिए गए हैं। ये था हमारा फर्स्ट रूम, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने आपको बेड लगा के भी दिखा रहे हैं, सो आपको एक स्पेस का आइडिया हो जाएगी आपकी स्पेस कितनी बचेगी। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड अपने वॉशरूम के अंदर, फर्स्ट बेडरूम के। बहुत ही ब्यूटीफुली गोल्ड आप देखेंगे अगर तो, आपका फुल हाइट टाइल वर्क यहाँ पे हो रखा है। आप एक बार इसमें नजर मारेंगे तो आपको हर जगह हर चीज आपको बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड और वेल प्लेस्ड नजर आएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मास्टर बेडरूम। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक विंडो दी जा रही है आपको दूसरा रूम में, जहां मैं आपके लेके जाऊंगा। स्पेस उसमें भी बिल्कुल सेम है, 13x14 का ही वो रूम आएगा, लेकिन उसमें एक आपको दरवाजा दिया गया है जहां से आप अपने बैक साइड पे एंट्रेंस कर सकते हैं, जो कि एक आपका यूटिलिटी एरिया है। उस रूम में और इस रूम में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन जो अपना माइका का डिजाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अलग से शेल्फ दी गई है, सो जो कि इस घर को एक ब्यूटीफुल लुक दे रही है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर फिर से दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको अगर आप लॉक लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक केस मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप इसके वॉशरूम में देखेंगे तो वॉशरूम के अंदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक अलग लुक के साथ डिजाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ पे यूज हो रखा है आपके वॉशरूम के अंदर। स्पेस बिल्कुल बराबर है इस वॉशरूम की भी। हम लेके चलते हैं आपको यूटिलिटी एरिया में। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो हमारा यूटिलिटी एरिया आ जाएगा। आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने बहुत ही इजीली यहाँ पे आप अपना स्टैंड भी रख सकते हैं कपड़ों के लिए। यहाँ पे आपको फिर से गोल्ड मेडल के स्विचेस ही यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी मशीन आ जाएगी, यहाँ पे आपके टैब के ऊपर विजन यहाँ पे आपको दे रखा है, सो दैट आपका इजीली मशीन आप अपनी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड रूम, 2BHK। मैंने आपको पहले दिखा दिया, वन रूम सेट अभी पेंडिंग है। तो वहां पे आप अगर इसका ग्राउंड फ्लोर लेते हैं, उसका बेनिफिट ये है अगर आप इसका ग्राउंड फ्लोर ऑप्ट करते हैं तो आप इस रूम को सेपरेटली रेंट आउट भी कर सकते हैं, 2BHK अलग से और वन रूम सेट अलग से। अगर आप पूरा 3BHK रेंट आउट करना चाहते हैं वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद के लिए रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ले रहे हैं तो भी आपका पर्पज सॉल्व हो रहा है कि आपको 150 गज में कोठी जितनी स्पेस आपको एक फ्लैट के अंदर मिल रही है। फ्रेंड्स आइए अब आपको दिखाता हूँ अपना ये रूम। इस रूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक तो फ्रंट पे डोर मिल जाएगा, ये बालकनी में डोर चला जाएगा और बालकनी के अंदर ही हमने ये आपके वो कबर्ड्स एडजस्ट कर दिए हैं, सो दैट बिकॉज बालकनी बहुत बड़ी थी तो इसके जो कबर्ड्स है हमने उस तरफ ही निकाल दिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्पेस आपको मिल गई है। गेटेड सोसाइटी है, आपको बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स फुल हाइट यहाँ पे भी कबर्ड्स आ जाएंगे। अगर इस रूम को आप सेपरेटली रेंट आउट करोगे तो सेपरेटली आप टिफिन सर्विस के साथ भी, अगर पीजी बॉयज से गर्ल्स आप रखना चाहते हैं अपने आपका 2BHK आपके लिए सफिशिएंट है तो आप इस रूम को सेपरेटली रेंट आउट कर सकते हैं। आप इसका वॉशरूम देखो फ्रेंड्स, इस बार बहुत ही बड़ा वॉशरूम है यहाँ पे और डिजाइन यहाँ पे भी कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग यूज कर रखे हैं, सो दैट अगर आप भी यूज कर रहे हैं इस घर को तो आपको एक सेपरेट फील आए जैसे ही आप दूसरे रूम में जाते हैं। बालकनी एरिया एक बार आपको दिखाता हूँ। बालकनी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस दे रखी है और अगर आप चाहते हैं इस तरफ से एंट्रेंस करना तो आप यहाँ से कोई दरवाजा रख के एंट्रेंस भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 3BHK का 150 गज में जो फ्लैट मैंने आज आपको दिखाया, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है ये। फ्रेंड्स इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें नीचे दिए गए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट के लिए भी आप उसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुड बाय, सी यू।